Hey guys, good morning. So welcome back to the Hindu News and this is आज है 9th of August. My name is Naveen Yadav. तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और आपको काफ़ी मजा आएगा. आज भी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं हमारे डिस्कस करने के लिए. चलिए देखिए, सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं. ये बोल रहे हैं कि योर ओनली लिमिट इज यू, यानी कि आपकी कोई भी लिमिट है वो सिर्फ आप डिसाइड करते हैं. ठीक है, हम काफ़ी बार कोई भी एग्जाम को लेकर इतना वो हो जाते हैं कि ये एग्जाम में क्लियर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, यानी कि हम खुद ही अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं. कैसे? देखिए, कभी कभी होता है जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लगेगा यार प्रीलिम निकल जाए मेरा बहुत बड़ी बात हो जाएगी, यानी कि मैंने कोई अचीवमेंट सी हो जाएगी मेरी. लेकिन क्या होता है, आपकी लिमिट प्रीलिम तक है तो आपका प्रीलिम निकल जाता है. लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसकी लिमिट होती है कि उसको इंटरव्यू तक पहुंचना है, तो वो ऐसा यानी कि 99% चांस है कि वो इंटरव्यू तक पहुंचेगा लेकिन फाइनल क्लियर नहीं होगा उसका. तो ये लिमिट जो होती है ये आपके ऊपर डिसाइड करती है. तो जितनी आप लिमिट सेट करेंगे आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपका आसपास का एनवायरनमेंट उसी हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देता है. तो आपको ये ध्यान रखना है, अपनी लिमिट जो है आपको बिल्कुल मैक्सिमम रखनी है. लिमिट को कभी भी कम नहीं करना अपनी. जितना आपकी लिमिट कम होगी आपकी बॉडी उसी हिसाब से काम करने लगेगी, राइट? तो यही बोल रहा है, यूर ओनली लिमिट इज यू. आप जितनी अपनी लिमिट डिसाइड करते हैं किसी भी फील्ड में आप जाइए, आप उसी पोजीशन पे स्टैग्नेंट हो जाते हैं या उससे नीचे ही, आप उससे ऊपर नहीं बढ़ पाते. तो आपको अपनी लिमिट सेट करनी है, आपको अपनी लिमिट बढ़ानी है और लिमिट को कभी भी लिमिटेड नहीं रखना, यानी कि एक लिमिट तो होनी ही नहीं चाहिए आपकी. अगर लिमिट आप क्रिएट करते हैं तो भी गलत है. आप अपने एक मैक्सिमम अचीव करने की सोचें, कोई लिमिट क्रिएट ना करें, राइट? चलिए देखिए, आज मैप ले हम डिस्कस करते हैं सऊदी अरेबिया से रिलेटेड, क्योंकि सऊदी अरेबिया से रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको सऊदी अरेबिया की लोकेशन दिखा देता हूँ. देखिए, मैप से भी दिखाऊंगा, जो गूगल मैप है उससे भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको नॉर्मली पॉलिटिकल मैप भी दिखा देता हूँ. देखिए, ये हमारा इंडिया है, इंडिया के वेस्ट में आएंगे पाकिस्तान, ईरान कल हमने डिस्कस किया था, ईरान कैपिटल तेहरान ये यहाँ पे है. और ईरान किस किस के साथ लगा हुआ है? अजरबैजान के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे टर्की के साथ लगा हुआ है, इराक, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान. ठीक है, इसके अलावा आज हम देखने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया. ये देखिए, ये सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया ये समझ लीजिए, ये जो पूरा एक तरह से ये जो एरिया है इसको आप पूरा रट लीजिए. अगर ये याद है तो आप नीचे अफ्रीका को और सेंट्रल एशिया को ईजिली याद कर सकते हैं. ये देखिए सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के नीचे ये यमन है और यमन के ये यहाँ पे ओमान है. ओमान, यमन, यानी कि एक से नाम याद है तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं. यहाँ पे यूएई है, तो ये चीज़ें याद रखनी. यहाँ पर्शियन गल्फ है, तो यमन, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया. इसके अलावा तीन चार कंट्री और याद कर लीजिए, इसमें टोटल 7-8 कंट्रीज है और ये अगर आप याद कर लेंगे तो पूरा ये आपको याद हो जाएगा, यानी कि इसके आसपास की कंट्री है. देखिए, ईरान हमने पढ़ा था तो ऊपर है इराक, ठीक है, और यहाँ पे है सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इसराइल. इसके अलावा मुझे लगता है आपको कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत, इतना अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं. सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन और ओमान, तो ये होगी चार कंट्रीज. ऊपर 5 कंट्रीज है, इराक, सीरिया के अंदर पूरा रिवोल्ट चल रहा है, इराक के अंदर चल रहा है, लेबनान ये इंपॉर्टेंट है, इसराइल तो हम देख चुके हैं काफी बार, और यहाँ पे जॉर्डन है. तो ये 5 कंट्रीज और 9 कंट्रीज को आप याद कर लीजिए, ये पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा. चलिए मैप में भी एक बार दिखा देता हूँ आपको, गूगल मैप में ये देखिए, ये हमारा इंडिया है और इंडिया से थोड़ा जूम कर लेते हैं. ये देखिए, इंडिया से जब आएंगे आप वेस्ट साइड में, यहाँ पे देखिए, ये सऊदी अरेबिया है, देखिए ये देखिए, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है, और ये नीचे कौन सा है, यमन, यमन की कैपिटल ये है सनाई, और यहाँ पे ओमान है, ओमान की कैपिटल ये देखिए, एक मिनट दिखाता हूँ आपको, और मस्कट, ठीक है. उसके बाद ये यूएई है, यूएई की कैपिटल अबू धाबी, आपको पता ही है ये बात. तो कतर है यहाँ पे, सऊदी अरेबिया पूरा है, इसकी कैपिटल रियाद, ये देख रहा है रियाद, ठीक है. इसके ऊपर अगर हम गए तो यहाँ पे कुवैत है, इराक है, ठीक है, और ये देख लिया हमने, देख लिया लेबनान है, जॉर्डन है, यहाँ पे इसराइल है, और गाजा स्ट्रिप हो गई. चलिए फिर इतना ही आपको थोड़ा सा पता होगा, तो इसको एक बार आप रिवाइज कीजिए अपने माइंड में कि कहाँ पे यमन था, कहाँ पे ओमान था, कहाँ पे यूएई था और कहाँ पे सऊदी अरेबिया था, तो उससे आपको समझ आ जाएगा पूरा, ठीक है. चलिए अब देखिए, 4 क्वेश्चन हमने कल
पूछे थे उसका आंसर मैं बता देता हूँ। एक था कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रूरल क्लीनलीनेस और सैनिटेशन कैंपेन शुरू किया है, स्वच्छ मेव जयते, ठीक है, तो ये कर्नाटक ने स्टार्ट किया, ये याद रखिए। एक क्वेश्चन पूछा था कौन सी गवर्नमेंट ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है हॉर्न नॉट ओके, राइट, यानी कि हॉर्न हॉर्न जो बजाते हैं ना आप गाड़ी का, तो वो सही नहीं है, यानी कि उससे साउंड पोल्यूशन होता है, तो उसके लिए कैंपेन स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट किया हिमाचल प्रदेश ने। एक क्वेश्चन था मुगल, देखिए मुगल सराय जंक्शन है उसका नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन बना दिया गया, तो ये कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर है यूपी, ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है। और कभी आप सोचे कि कुछ लोगों ने बिहार भी आंसर दिया, तो आपको ये नहीं है कि मुगल सराय देखा और आपको लगा कि ये बिहार हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आंसर है यूपी। उसके बाद एक क्वेश्चन है विच इंडियन डेवलपर हैज क्लेम टू डेवलप ए वर्ल्ड फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट रश्मि, ये देखिए ये किसने है, रंजीत श्रीवास्तव ने। आप देखिए इस तरह की जैसे सब की आपको ये याद नहीं होता कि किसने किया, वो बाद में याद कीजिए, पहले जाइए आप गूगल पे जाइए, रश्मि रोबोट डालिए और ये रोबोट देखिए बहुत ही आपको ऐसा यानी कि अच्छा लगेगा, 2 मिनट में आपको चीज़ें समझ भी आ जाएंगी और आपको इतना इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा उस न्यूज़ के अंदर। तो इसलिए कोई भी न्यूज़ है उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, उससे वो बहुत ईजिली याद हो जाती है। चलिए देखिए दो क्वेश्चन अभी पूछेंगे, दो लास्ट में, ये जब खत्म होने वाला होगा हमारा पूरा 30 मिनट का वीडियो, उसमें भी दो दो क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। आपने कल भी 2 क्वेश्चन के आंसर दिए थे, 2 क्वेश्चन बाद में होते हैं उनका भी आंसर दे दीजिए, और बाद में मैं इसलिए डालता हूँ कि आपका मोनोटोनस ना हो प्रिपरेशन, थोड़ा सा आपको ये देखने को मिलता रहे कि मेरी प्रिपरेशन है वो यानी कि पूरी चल रही है नहीं चल रही है, और पूरा आप पूरा डिटेल में देख सके, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड, ये देखिए इसके बाद आज के 2 क्वेश्चन है। देखिए ये पहला क्वेश्चन है विच कंट्री रिसर्चिज है रिसर्चर हैव क्लेम्ड टू क्रिएट द वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल क्रोमोजोम ईस्ट, तो ये किसने बनाया, फर्स्ट सिंगल क्रोमोजोम ईस्ट किसने बनाया, जर्मनी यूएस चाइना या यूके, ठीक है, ये आपको आंसर देना है। इसके बाद देखिए एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है मैत्री, और मैत्री 2018 जो हुई है स्टार्ट हो गई है, और वो किस किस कंट्री के बीच में है, इंडिया और दूसरी कंट्री कौन सी है, क्या वो थाईलैंड है, नेपाल है, श्रीलंका है, वियतनाम है, ठीक है, इसमें से आंसर देना है। और 2 क्वेश्चन मैं आपको आखिर में पूछे क्योंकि, और ये 2 क्वेश्चन आखिर में इसलिए रखे तो कि मोनोटोनस ना हो आपकी जो प्रिपरेशन है, कि सिर्फ आप पढ़ाई जा रहे हो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, तो इसलिए बीच में क्वेश्चन फिर पढ़ाना फिर क्वेश्चन फिर पढ़ाना, इस तरह चलेगा। चलिए देखिए आज का जो एडिटोरियल आया है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बताते हैं कि सॉरी ये मॉनसून से रिलेटेड है। देखिए बोलते हैं कि अभी रिसेंट जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको आईएमडी भी बोलते हैं उसने प्रिडिक्ट किया है कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो अभी नॉर्मल रहेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी थोड़ा शॉर्ट ब्रेक आ गया था, लेकिन अभी आने वाले टाइम में फिर से मॉनसून प्रॉपरली आएगा और जहां जहां जिस जगह पे बारिश की कमी थी वो पूरी हो जाएगी। तो एडिटोरियल बोलते हैं काफी रिलीफ मिला इस चीज से। साउथ वेस्ट मॉनसून देखिए क्या होता है, देखिए ये जो हमारा इंडिया है, तो देखिए साउथ वेस्ट लोकेशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो जो नाम होता है कोई भी विंड का या मॉनसून का नाम होता है तो वो जिस डायरेक्शन से आ रहा होता है वो नाम दिया जाता है। अब देखिए ये जो विंड से यहाँ से आ रही है ये साउथ है, तो ये साउथ वेस्ट एरिया है, तो इस साउथ वेस्ट से विंड आती है और ये जहाँ ऐसे आती है और इंडिया में आके इधर से एंट्री करती है, ऐसे यहाँ पे ऊपर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगी, इधर से जाएंगी गुजरात में, और ये महाराष्ट्र कर्नाटक जो ये जो स्टेट्स है, इसलिए इसका नाम ये देखिए साउथ वेस्ट है, तो इधर से आ रही है, जिधर से आ रही होती है वो नाम होता है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून कह रहे हैं कि अब रिलीफ मिला है कहीं ना कहीं कि हो सकता है बारिश, अब आईएमडी ने बोला है कि बारिश प्रॉपर आएगी और जो कमी रह गई थी वो पूरी हो जाएगी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें पिछले 2 महीने की तो ये जो क्राइटेरिया है कि नॉर्मल रहेगी वो ऐसा हमें देखने को नहीं मिला, बहुत सी वेरिएशन देखने को मिली है। देखिए बारिश में वेरिएशन बहुत हो गई है, जहां पे हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पे बिल्कुल कम हो रही है, और जहां पे हो भी रही है वो बहुत तेज, यानी कि पीरियड जो है वो शॉर्ट हो गया है। पहले क्या होता था कि बारिश यानी कि 15 दिन चली, लेकिन अभी क्या है चलेगी वो 5 दिन, बारिश उतनी ही होगी जितनी 15 दिन होनी थी, लेकिन अभी वो 5 दिन चली, और 5 दिन चलने के कारण क्या हुआ, ज्यादा बारिश हुई, ज्यादा बारिश से क्या हुआ कि नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा फिल नहीं हुआ, यानी कि वो उसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ, सिर्फ फ्लैश फ्लड की तरह आया और पानी ये है ये मिट्टी को भी बाहर ले गया, इससे क्या हुआ नीचे पानी का रिसाव भी नहीं हुआ जिससे कि वाटर टेबल बढ़ सके। तो इस तरह के लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि देखिए एक क्लाइमेट चेंज का फीचर आपको पता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके कारण भी ये चीज़ें हो रही है कि जो हमारा जो क्लाइमेट है वो शिफ्ट हो रहा है और शॉर्ट पीरियड के लिए हो रहा है, और हैवी रेन हो रही है उतनी ही हो रही है, लेकिन ये बहुत तेजी से हो रही है, इस वजह से
पूरा इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। यही बता रहे हैं कि जो क्राइटेरिया है नॉर्मल का, उसमें बहुत वेरिएशन देखने को मिली है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में ड्राउट हो गया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में फ्लड देखने को मिल रहा है हमें। ये बोल रहे हैं अगर ऑफिशियल डेटा की बात करें तो अभी तक जुलाई में 25 जुलाई तक कितनी बारिश हो चुकी है, 4384 mm। ले ये बोल रहे हैं इस हिसाब से सिर्फ 3% नेगेटिव डिपार्चर है जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है उसका। लेकिन बोलते हैं कि अगर हम रियलिटी में देखा जाए तो ये इस फेज में मॉनसून में अगर डिस्ट्रिक्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, यूपी के अंदर उत्तराखंड, बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, विदर्भा, इनमें बहुत डेफिसिट देखने को मिला है। यानी कि 20 से करीबन 59% तक 59% तक डेफिसिट यानी कि कमी देखने को मिली है मॉनसून की, जो यानी कि जो बारिश है। इसके बाद बताते हैं कि अगर सिर्फ गुजरात की बात करें तो इसकी स्टोरी भी डिफरेंट नहीं है। इसकी स्टोरी क्या है, कुछ जगह पे डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है। तो बोल रहे कि इस तरह की चीज़ें देखने को हमें मिल रही है जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। इसके अगर ये बात करें तो देखिए इस मॉनसून से क्या हुआ है, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, डिस्ट्रक्शन भी हुआ है, करीबन 465 लोगों की डेथ हुई है इसी साल में मॉनसून के कारण। इसके बाद और बात करें कि क्या क्या लॉस होता है, इस तरह ज़्यादा बारिश हो जाती है एकदम, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, उससे क्या होता है रोड और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इन्वेस्टमेंट उसको दोबारा बहुत ज़्यादा लगती है दोबारा बनाने में, बहुत से लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे फ्लड हो रहा है। असम में आपको पता है अभी फ्लड चल रहा है, और अभी आज की रिपोर्टिंग है कि थोड़ा सा फ्लड कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे इतना फ्लड है कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद बताते हैं कि जो इस तरह की फैमिलीज होती है उनको अर्जेंट रिलीफ की नीड है, यानी जरूरत पड़ती है वो नॉर्मल लाइफ ताकि वो जी सके, वही सब नॉर्मल बातें बताई हुई है। इसके बाद ये कहते हैं रेलफोन जो पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा था उसमें बहुत वेरिएशन है, यानी कि इसका इस वेरिएशन कारण कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं पे बहुत बिल्कुल ही बारिश नहीं है। तो ये बताने की इस वजह से एग्रीकल्चर और ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये बताते हैं कि वो पानी जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है जैसे मॉनसून का पानी कि इंडिया का एग्रीकल्चर आउटपुट क्या होगा। और ये ऑलरेडी कौन बता चुका है, ये बात किसने फोकस की थी, जो एम एस स्वामीनाथन है, प्रोफेसर है, ये नेशनल कमीशन ऑन फार्मर के भी चेयरमैन है, और ये बहुत बड़े यानी कि एग्रीकल्चर से इनका बहुत बड़ा नाता है और ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो इनकी बात मानी जाती है, इनकी रिकमेंडेशन सुनी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर के चेयरमैन है और साइंटिस्ट भी है, तो इन्होंने भी बोला कि पानी की रिक्वायरमेंट जो मॉनसून का पानी है इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, और ये डिटरमाइन करती है कि हमारे इस साल जो आउटपुट क्या होगी एग्रीकल्चर की। ये बताते हैं कि अगर हम बात करें गिवन दैट 60% ऑफ द यानी कि इतनी अगर लैंड की बात करें 192 मिलियन हेक्टेयर जो पूरा ग्रोथ जोन एरिया है, इनकी जितना जहाँ पे उगाया जाता है कोई भी अनाज, वहाँ पे पाया गया कि 60% जो एरिया वो रेन फेड है। रेन फेड है मतलब जो बारिश पे ही डिपेंड करता है एग्रीकल्चर। और ये बताते हैं कि इस तरह के जो मॉनसून है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ सकते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, 60% जो हमारा जमीन जो उपजाऊ है जिसके अंदर एग्रीकल्चर जो फील्ड है जिसके अंदर कोई भी क्रॉप लगाई जाएगी वो किस पे डिपेंड करती है, वो रेनफॉल पे डिपेंड करती है हमारे यहाँ पे। यानी कि और कंट्रीज में हो सकता है कि ग्राउंड वाटर से आप पानी निकालते हैं या आपने डैम बनाए गए हैं रिवर्स का पानी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे 60% जो एग्रीकल्चर वो रेन फेड है यानी कि बारिश पे डिपेंड करता है। तो आप समझ लीजिए कि मॉनसून की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने चाहिए, जैसे सरफेस वाटर स्टोरेज रखनी चाहिए, ज़्यादा बारिश हो तो आप ऐसे स्टोरेज सिस्टम रखिए ताकि वो भर जाए उसका पानी यूज़ किया जाए। माइनर इरिगेशन सिस्टम स्कीम वगैरह यूज़ करनी चाहिए, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि पीने के लिए भी लोगों को पानी की प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद बताते हैं कि और क्या बात कर रहे हैं कि ये जो रेनफॉल है इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है और चेंज भी हो रही है, वैरी भी हो रही है, वही चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कहीं पे ये बताते हैं कि साइंटिस्ट कंटेंट दैट एलुवियल सोइल कहाँ है पता है आपको, ये जो हमारा प्लेन एरिया है जो आपका यूपी, बिहार, हरियाणा, उसके बाद कुछ पार्ट गुजरात का, और जो ये हमारा सपोज कीजिए इंडिया है, तो यहाँ पे इधर भी एलुवियल सोइल पाई जाती है, सबसे उपजाऊ सोइल है एलुवियल सोइल, ठीक है। ये बता रहे कि नॉर्थ स्टेट में बेनिफिट हो रहा है, स्लो प्रेसिपिटेशन का बेनिफिट होता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, धीरे धीरे बारिश होती है तो उस पानी क्या है नीचे रिसाव हो जाता है उसका, और पानी नीचे यानी कि जो ग्राउंड वाटर है वो फिल हो जाता है। लेकिन ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं देखने को मिल रहा, एकदम हैवी रेन आ जा रही है जिससे कि क्या है ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो रहा है और फ्लड भी आ रहा है जिससे सॉइल की जो है प्रोडक्टिविटी वो भी घट रही है।
ये बताते हैं कि देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत कम बारिश देखने को मिलती है, कुछ में बहुत ज़्यादा स्टेडी रेन नहीं है, ठीक है। वही बातें बार बार वही बता रहे हैं, क्या क्या फोकस करना चाहिए, स्टोरेज पे फोकस करना चाहिए, पार्टिसिपेशन पे फोकस करना चाहिए, राइट। इसके बाद ये IMD का कुछ बोलते हैं कि एक ये IMD ने अभी बोला है कि एक नॉर्मल आउटलुक, यानी कि अगस्त में प्रॉपर बारिश होने की उम्मीद है, और ये बोल रहे हैं कि अगर ये बारिश प्रॉपर हुई तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, साउथ छत्तीसगढ़ या नॉर्थ कोस्टल आंध्रा और कुछ तेलंगाना पार्ट है, उनको काफ़ी बेनिफिट होगा और उनके लिए एनकरेजिंग न्यूज़ है ये। और ये बोलते हैं कि ये अगर फोरकास्ट एक्यूरेट हुआ तो इससे क्या होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन है वो, यानी कि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो बताई जा रही है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम सितंबर में भी जितनी बारिश होनी चाहिए वो देखने को मिले और जिन एरिया में ड्राउट था उनको बेनिफिट हो, राइट। चलिए देखिए, एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये एडल्ट्री से रिलेटेड, हम काफ़ी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर अभी नई अभी इसमें जजमेंट आना बाकी है तो इसलिए हम इसको बार बार डिस्कस करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको ये पूरी डिटेल में पता हो कि क्या था। देखिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये काफ़ी बार कि सेक्शन 497 के तहत अडल्ट्री आता है, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अडल्ट्री में के अंदर 5 साल की सजा जो होती है वो बिल्कुल सही नहीं है। ये बताते हैं कि अडल्ट्री डज नॉट इवन क्वालिफाई टू बी ए क्रिमिनल ऑफेंस, ये क्रिमिनल ऑफेंस हो ही नहीं सकता। ये बताते हैं क्यों नहीं हो सकते, ये बोल रहे हैं कि अडल्ट्री अगर बिहेवियर देखा जाए तो एक सिविल रेमेडी इसकी है, जिसको जिसको बोलते हैं डिवोर्स। देखिए सेक्शन 497 अडल्ट्री आपको पता ही है, अगर कोई ये हस्बैंड है ये वाइफ है और इसका वाइफ का रिलेशन किसी और इंसान के साथ होता है, यानी कि कंसेंट से, दोनों की मंजूरी से, तो जो हस्बैंड है वो केस फाइल कर सकता है इस इंसान के खिलाफ, वो भी किसका, अडल्ट्री का केस। तो ये बोलते हैं कि कोर्ट बोलते हैं कि इस तरह के जो केसेस है ये, तो इस अगर कोई वाइफ का लवर है तो वाइफ के लवर को सजा देना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये दोनों की कंसेंट है, यानी कि वाइफ भी कोई रिलेशन बनाना चाह रही है, इंसान भी रिलेशन, तो इसमें केस तो बनता ही नहीं है, यानी कि सजा होने का तो कोई नाम ही नहीं है। ये बोल रहे हैं कि इफ ए थर्ड पार्टी अटैक और मोलेस्ट ए वाइफ, अगर कोई थर्ड पार्टी किसी वाइफ के साथ कोई मोलेस्टेशन होता है, कोई अत्याचार होता है, तो उसके लिए रेप का प्रावधान है, लेकिन इस केस में तो क्या है, दोनों की कंसेंट है, तो सिर्फ वाइफ के लवर को ही क्यों पनिश किया जाए, ऐसे हमारे चीफ जस्टिस मिश्रा बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये किस तरह मैरिज को प्रोटेक्ट कर रहा है जरा हमें बताइए। ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और ये जो रिलेशन है ये बिल्कुल हेल्दी रिलेशन है, और इसमें सजा होने का कोई वो नहीं है, प्रावधान नहीं होना चाहिए, तो शायद आने वाले टाइम में ये जो सजा है इसको भी खत्म कर दे एडल्ट्री को। अभी ये सिर्फ केस चल रहा है तो हम बार बार देखते रहेंगे, तो हमें कभी भी दोबारा रिविजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये जो आर्टिकल आया ये प्रिजन से रिलेटेड है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल गठित करने की बात की कही गई है, जो पूरा प्रिजन के अंदर, यानी कि जो जेल होती है उसके अंदर जो भी इश्यूज है उनको वो एनालाइज करेगा। देखिए जेल में क्या क्या इश्यूज है, एक तो वहां के जो प्रिजनर है उनका कोई ह्यूमन राइट का वो नहीं रखा जाता, उनके ऊपर इतने अत्याचार होते हैं। सेकंड, ओवर क्राउडेड है हमारी जो प्रिजन्स है वो ओवर क्राउडेड है, यानी कि उसके अंदर 10 लोग होने चाहिए लेकिन लोग मिलेंगे 50, तो इस वजह से बेसिक राइट्स भी नहीं मिल पाते वहां के लोगों को। इसके बाद विमेन से रिलेटेड, विमेन को प्रॉपर वहां पे फैसिलिटीज नहीं मिलती, इस वजह से विमेन को सफर करना पड़ता है। बहुत से केसेस में क्या होता है, विमेन को अपने बच्चों से मिलने की परमिशन नहीं दी जाती, इस वजह से बच्चे को भी मेंटल हरासमेंट देखने को मिलता है, सहना पड़ता है, विमेन को तो मिलता ही मिलता है। इसके बाद और क्या क्या केसेज है वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये बताते हैं कि देखिए अंडर ट्रायल बहुत है, यानी कि बहुत से लोग हैं जिनकी ट्रायल शुरू ही नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन वो जेल के अंदर पड़े हैं, हो सकता है उनके उनको ट्रायल होने के बाद उनको सजा 1 भी साल की ना मिले लेकिन वो अभी जेल के अंदर पड़े हैं, तो इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की जरूरत है। जेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो इसके लिए जो कमेटी गठित हुई है ये पूरा देखेगी कि किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और ये बता रहे हैं कि जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ओवर क्राउडेड है, और ये बता रहे हैं कि आपके पास पैसा है बहुत चीज़ें करने का लेकिन जो जेल के अंदर जो कमियां हैं उसको सुधारने की आप बात नहीं करते, वहां पे लोग बीमार भी हो जाते हैं, खाना प्रॉपर नहीं मिलता, रहने की यानी कि प्रॉपर बिस्तर नहीं है सोने के लिए, यानी कि और चाइल्ड राइट्स, वीमेन राइट्स, इसका भी कहीं ना कहीं ख्याल नहीं रखा जाता, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इस पे पैसा खर्च करने की जरूरत है, और ये कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद डिसाइड होगा क्या क्या कमियां हैं, पर क्या क्या प्रिजन रिफॉर्म लाने की जरूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। चलिए ये देखिए, अभी एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी कर्नाटक के अंदर एक डेडली पेस्ट पाया गया है, ठीक है। ये पेस्ट कौन सा है, इसका नाम है, देखिए इसका नाम है फ्लाई आर्मी वॉर्म, ये आप याद रखिए, बहुत जगह पूछा जाएगा आपसे पक्का किसी एग्जाम में, फ्लाई आर्मी वॉर्म। ये देखिए क्या करता है ये जो पेस्ट है, ये मक्का है मेज, ठीक
मेज के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है और मेज की जो फसल है उसको खराब कर रहा है ये, और ये कहाँ पे पाया गया, कर्नाटक के अंदर। इसका कुछ रेफरेंस देखे, देखिए रेफरेंस देते हैं, फ्लाई आर्मी वर्म जो है ये नेटिव है कहाँ का, अमेरिका में, अमेरिका में बहुत पाया जाता है, लेकिन क्या हुआ कि 2016 में ये अफ्रीका के अंदर आ गया और अभी ये इंडिया के अंदर भी देखने को मिल रहा है। अफ्रीका की 44 कंट्री के अंदर फैल गया था 2016 में, अभी इंडिया के अंदर भी आ गया है। उसके अलावा बताते हैं कि ये जो फ्लाई आर्मी वर्म है, फ्लाई आर्मी वर्म ये क्या करता है, सिर्फ मक्के पे ही नहीं, मक्का इसका सबसे यानी कि पहले नंबर प्रायोरिटी होती है जिस पे ये जिसको खराब करता है और खाने खा लेता है। उसके अलावा और कौन सी क्रॉप से जिस पे फीड करता है, देखिए राइस हो गया, सोरगम हो गया, मिलेट्स हो गया, ठीक है, उसके अलावा शुगर केन, कॉटन। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो फ्लाई आर्मी वर्म है कर्नाटका में पाया गया, इट ओनली ओनली फेड ऑन मेज, तो आपको लगेगा मैंने मक्का ही पढ़ा था, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी जो क्रॉप्स है इनके ऊपर भी ये बुरा असर डालता है, जैसे राइस हो गया, सोरगम, मिलेट, शुगर केन, कॉटन। ये बताते हैं कि क्यों इंडिया में फैल रहा है, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है, ट्रॉपिकल मतलब यहाँ पे वार्म यानी कि गर्मी भी रहती है, बारिश भी हो रही होती है, तो इस वजह से ये इसको आराम से थ्राइव करने का मौका मिल जाता है, यानी कि फैलने का मौका मिल जाता है। ये बता रहे हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल किया जा सकता है, नेचुरल एनिमीज भी इसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, इंटरक्रॉपिंग यूज की जा सकती है, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग क्या होगा, एक क्रॉप फिर दूसरी क्रॉप तीसरी क्रॉप, तो इससे क्या होगा, ये एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप पे फैल नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां डिफरेंट क्रॉप होगी जो इसको फीडिंग नहीं देगी। तो ये बोल रहे हैं कि ये इस पे गवर्नमेंट को जरूर ध्यान देना पड़ेगा। वही सब बता रहे हैं कि पहले इसको गलत ट्रीट कर रहे थे, बाद में जो साइंटिस्ट है, इटमोलॉजिस्ट जो होते हैं, यही इटमोलॉजिस्ट होते हैं, ये देखते हैं कि ये कौन सा पेस्ट है या कौन सा ये कोई भी पेस्ट ही बोलेंगे इसको, ये कौन किसको खराब कर रहा है, कौन सी क्रॉप के ऊपर ये ज़्यादा असर डाल रहा है, राइट। चलिए इसके अलावा देखिए एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये बताते हैं पाकिस्तान के जो ट्रुप हैं अभी वो रशियन इंस्टीट्यूट में उनको ट्रेनिंग मिलेगी। अब देखिए आप ये सोच रहे हैं कि रशिया तो हमारा अच्छा हमारा रिलेशन था, लेकिन पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन, अच्छा रिलेशन बनता जा रहा है, इसका मैं रीजन बताता हूँ। आपको पता है कि इंडिया है उसका रिलेशन किसके साथ, यूएस के साथ बहुत अच्छा होता जा रहा है। यूएस सेंक्शंस में भी काटसा, आपको पता है काटसा के अंदर भी इंडिया को वेवर मिल गया है, कहीं ना कहीं मिल ही गया कि इंडिया जो है S-400 खरीद सकता है, जो मिसाइल सिस्टम है कहाँ से, रशिया से। तो यानी कि देखिए यूएस हमें कितना बेनिफिट दे रहा है, क्यों दे रहा है यूएस, यूएस को पता है कि चाइना को कंटेन करना है, चाइना को रोकना है, तो यूएस की मदद करनी ही पड़ेगी, और इंडिया ही सॉरी इंडिया की मदद करनी पड़ेगी, और इंडिया ही एक ऐसा नेशन है जो चाइना को सिंगल हैंडेडली आने वाले टाइम में किसी ना किसी तरह कंटेन कर सकता है। तो यूएस की जो पॉलिसीज हैं वो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए इंडिया को हर चीज में यूएस सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए हमारी और रशिया की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन रशिया को पता चला है कि इंडिया का जो टिल्ट है, यानी कि इंडिया कहां टिल्ट हो रहा है, यूएस की तरफ, तो रशिया ने अपना झुकाव किधर कर दिया है, पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि रशिया को भी अपने इक्विपमेंट जो मिलिट्री इक्विपमेंट से वो बेचने हैं, और इंडिया को कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि आप यूएस के साथ अगर आप अच्छे रिलेशन बना रहे हैं तो हम भी पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया को भी एक सिग्नल देता है, ठीक है। तो इंडिया को देखना है कैसे बैलेंस करेंगे इस चीज को, तो इस तरह की जो ट्रेनिंग स्टार्ट की है तो ये कहीं ना कहीं यही चीज दिखाती है। ये बताते हैं कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2014 में, किसके बीच में, ये देखिए डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पाकिस्तान और रशिया के बीच में, और उसके तहत ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकी डायलॉग्स चल रहे हैं और प्रॉपर इनके बीच में बातचीत चल रही है। ये बताते हैं कि पाकिस्तान डिफेंस टाइज विद रशिया हैज मूव पास्ट बेटर कोल्ड वार हॉस्टैलिटी, यानी कि कोल्ड वार के टाइम जो पाकिस्तान और रशिया के बीच में हॉस्टैलिटी थी वो खत्म होती दिखाई दे रही है, और इनका जो रिलेशन है वो अच्छा होता जा रहा है। उसके बाद ये क्या है, उसका रीजन भी एक और क्या है कि यूएस का जो रिलेशन है वो खराब हो रहा है, किसके साथ, रशिया के साथ और चाइना के साथ, तो चाइना भी पाकिस्तान के साथ रिलेशन बना रही है, रशिया भी। देखिए एक कहावत होती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसी तरह ही है कि पाकिस्तान जो है किसका दुश्मन है, इंडिया का, और इंडिया और चाइना की नहीं बनती, और इंडिया जो सॉरी रशिया और यूएस की नहीं बनती, तो रशिया यूएस है वो इंडिया के साथ टिल्ट होता जा रहा है, तो रशिया सोच रहा है हमारे पाकिस्तान के साथ अपना रिलेशन बढ़ाते हैं ताकि इक्विपमेंट्स भी बेच सके, और आने वाले टाइम में इंडिया को भी ये चीज़ बताई जा सके कि अगर आप यूएस की तरफ टिल्ट हो रहे हैं तो हम भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए इसके अलावा दो क्वेश्चन है ये आपको देने हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, विच कंट्री टीम हैज वॉन द 14th
एडिशन ऑफ वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता है? 14th वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप, क्या स्पेन ने, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया? ये आंसर देना आपको। एक क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन शटलर टू विन द वुमेन सिंगल वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप फॉर द थर्ड टाइम। तीसरी बार कौन सी ऐसी वुमेन है जिसने सिंगल्स में, ठीक है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? क्या ये कैरोलिना मारिन है, या पीवी संधू है, या अकाने यामागुची, या ताई जू यिंग? तो ये देखिए मैं बताता हूँ, पीवी सिंधु तो नहीं जीती है, पीवी सिंधु इसमें हार गई है, ठीक है। और किससे हारी है, इनमें से तीनों में से एक से हारी है। और ये भी बता देता हूँ कि ओलंपिक में भी ये खिलाड़ी ही जीती थी बैडमिंटन चैंपियनशिप, और इसने पीवी संधु को ही हराया था। पीवी संधु सेकंड आई थी ओलंपिक के अंदर भी। तो ये आपको आंसर देना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी आपको पता है कि ट्रेड वॉर चल रहा है। ट्रेड वॉर क्या हो रहा है, यूएस और चाइना के बीच ये मेजर चल रहा है, और लेकिन यूएस सबके साथ ही ये ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। इसमें क्या हो रहा है कि एक ड्यूटीज लगाई जाती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी होगी या टैरिफ बढ़ा दिया जाता है। सपोज कीजिए ये चाइना है, ये यूएस है, तो चाइना से कोई भी माल यूएस में आएगा, पहले वो 100 रुपये में यहाँ पे आता था, लेकिन अभी ड्यूटी लगा दी तो अभी ये क्या आएगा, 120 में, ठीक है। सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो इस ड्यूटी के कारण यूएस में जो चाइना का माल है वो महंगा हो जाएगा, और महंगा होने से क्या होगा, यूएस के जो लोग हैं उसको नहीं खरीदेंगे, चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो खराब हो जाएगा, एक्सपोर्ट जो होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। तो ये होता है ट्रेड वॉर, ये चल रहा है। इसी तरह चाइना ने भी स्टार्ट कर दिया यूएस से जो सामान आने लगा है, तो वही बता रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंट क्या देखने को मिला है कि जुलाई के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, आपको पता है, ठीक है, जुलाई के स्टार्ट होने के बाद भी यूएस चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो कम नहीं हुआ, वो चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ता ही नजर आ रहा है। तो उसी के ऊपर ये बोल रहे हैं कि चाइना का जो इससे एक्सपोर्ट घटना चाहिए था लेकिन घटा नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी इसकी ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। देखिए इसका रीजन क्या है, मैं बताता हूँ आपको। चाइना की जो करेंसी है युआन, चाइना क्या करता है, अपनी करेंसी को डिग्रेड कर देता है, डीवैल्यू कर देता है। डीवैल्यू क्या करती, करने से क्या होता है कि इसका जो सामान है वो फिर से उस एरिया में उतना ही सस्ता बिकना स्टार्ट हो जाता है। तो डीवैल्यूएशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको पता होगा इकोनॉमी के अंदर, अगर आप माल अपने करेंसी को डीवैल्यू करते हैं तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी माल की वैल्यू को तो घट जाएगी और वो सस्ता हो जाएगा दूसरी कंट्री में जाके। तो चाइना इसी तरह की टैक्टिक्स अपनाती है। तो ये बता रहे हैं कि अभी होने वाले टाइम में हो सकता है 23 अगस्त को दोबारा से 25% टैरिफ और लगा दिया जाए चाइना के कितने ट्रेड पे, 16 बिलियन ट्रेड या गुड्स पे। तो ये बोल रहे हैं कि इससे चाइना ने बोला है कि टिट फॉर टैट मूव, हमें भी ऐसा एक स्टेप लेना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका नहीं मान रहा है, तो हम भी अमेरिका के कुछ गुड्स हैं जैसे ऑयल हो गया, स्टील प्रोडक्ट्स हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, मेडिसिन हो गया, इस तरह की चीज़ों पे हम भी आने वाले टाइम में ड्यूटी लगाएंगे और या टैरिफ इंक्लूड करेंगे, जिससे यूएस को भी पता चले कि सिर्फ चाइना ऐसा नहीं है, कि चाइना कोई स्टेप नहीं ले सकता, ठीक है। वही सब चीज़ें इसमें बताई हुई है, और ये बता रहे हैं कि, लेकिन देखिए एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यूएस ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि यूएस ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए यूएस ऐसे बोलता है कि चाइना जो है, चाइना अपना इस तरह की पॉलिसीज अपनाता है, जैसे युआन को सस्ता कर देगा, वो डीवैल्यू कर देगा, इससे क्या होगा, दूसरी कंट्री में जाके माल चाइना का बिकने लगेगा और यूएस का माल कम बिकना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि चाइना इस तरह की टैक्टिक्स अपनाता है, अपनी जो करेंसी है उसको मैनिपुलेट करता है, और उस मैनिपुलेशन के कारण ही चाइना के साथ ट्रेड है वो अनफेयर ट्रेड हो जाता है, और चाइना किसी के साथ भी उसका सरप्लस हो जाता है और दूसरी कंट्री का डेफिसिट हो जाता है। जैसे इंडिया के साथ आपको पता है, चाइना और इंडिया का जो ट्रेड है, इंडिया के अंदर चाइना का बहुत माल आता है लेकिन इंडिया इतना नहीं चाइना के पास बेच पाता। तो इस तरह की अप्रोच चाइना अपनाता है। उसके अलावा ये बोलते हैं कि चाइना और क्या प्रॉब्लम करता है, चाइना जो है इसके अलावा क्या करता है कि जो पेटेंट होता है उनको नहीं मानता है, यानी कि कोई भी अगर यूएस की कोई कंपनी आती है चाइना के अंदर, तो चाइना के अंदर जो वो आके इन्वेस्टमेंट करती है, तो चाइना क्या करता है उसको, उसके जो उसका जो टेक्नोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं यूज़ करके दूसरी चीज़ों में उसके टेक्नोलॉजी के जो पेटेंट है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो वही सब चीज़ें एलिगेशन लगाई जा रही हैं, और अभी ट्रेड वॉर कितना आगे, कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका, ये तो हम देखेंगे।
इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखिए अभी एक डील हुई थी आपको पता है वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट की, और वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% स्टेक्स खरीद लिए। लेकिन अभी ये क्या हुआ है, रिसेंट जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने अप्रूवल दे दिया है इस डील को, और आने वाले टाइम में आपको फ्लिपकार्ट नहीं दिखेगा, वॉलमार्ट ही दिखेगा जो फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है। तो अभी वॉलमार्ट के नाम पर ही सामान बिकना आपको दिखाई देगा। तो ये यही बता रहे हैं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया इस डील को, और जो लास्ट ईयर ये हुआ था, सॉरी मई में ये चीज हुई थी, 77% स्टेक खरीद लिए थे किसने, वॉलमार्ट ने किसके, फ्लिपकार्ट के। तो ये हो सकता है इस तरह के प्रीलिम में एक न्यूज पूछी जाए कि कौन अप्रूव करता है इस कोई भी डील को, और किसकी किसकी डील हुई है, राइट। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आज काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल हमने डिस्कस किए, शायद हमारी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ होगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और देखिए अगर आपको कहीं भी मौका मिले तो आप पेड़ लगाइए, साफ सफाई रखनी है आसपास, अगर कहीं भी आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मौका मिले तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, और कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा है तो उसको डोनेट कीजिए गरीब बच्चों को, ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।